हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही थी पालक पनीर। ऑफिस में पॉटलक पार्टी है तो मैंने सोचा मैं पालक पनीर ही बनाती हूँ। और मैंने रात में ही पालक को वॉश कर लिया था क्योंकि मेरे पास सुबह इतना टाइम होता नहीं और मुझे बनाना भी ज़्यादा क्वांटिटी में था। तो मैंने पालक को पहले अभी बॉयल किया, ज़्यादा नहीं, मैं 5 मिनट ही बॉयल करूँगी। और मैंने प्याज को, एक्चुअली मैंने प्याज को पीसा नहीं है, प्याज को मैंने चॉप किया है छोटे छोटे। मैंने सिर्फ टमाटर पीसा है और मैंने खड़े मसाले और जीरा, तो मैंने कढ़ाई में खड़ा मसाला, जीरा डाल दिया एंड ऑयल, मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है एंड थोड़ा सा बटर भी। फिर मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दी। प्याज को मैं थोड़ा अच्छे से पकाऊंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और फिर मैं साइड में ड्राई मसाले का पेस्ट बनाऊंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कश्मीरी मिर्च और हल्दी। मैं लाल मिर्च नहीं डालती और ऑफिस के लिए बना रही हूँ, क्या पता उनको लाल मिर्च मतलब स्पाइसी नहीं पसंद हो, तो इसीलिए मैंने अवॉइड किया। फिर मैंने इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया। प्याज भी मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, 2-3 मिनट और, क्योंकि ऑलमोस्ट पक गई है, फिर वो जल जाएगी। और मैंने ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं करे हैं क्योंकि हम खुद भी नहीं खाते हैं और ऑफिस के लिए भी है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अगर उनको पसंद नहीं आया तो किसी और के लिए आप बना रहे हो और फिर ज़्यादा स्पाइसी। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया, मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूंगी। मैंने 3 टमाटर यूज़ करे हैं। और मैंने साइड में पनीर भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। और मैं पनीर को फ्राई नहीं करती क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है फ्राई पनीर, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और फिर मैं कढ़ाई में जो मैंने ड्राई मसाले का पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूँगी, और जो मैंने टमाटर जिसमें रखा था जिस भगोनी में उसमें पानी डाल के, ताकि जो टमाटर चिपका हुआ है वो भी मैं ऐड कर दूँगी, उसको मैं वेस्ट नहीं करती। और मैं टमाटर को अच्छे से पकाऊंगी जब तक उसका साइड से ऑयल नहीं निकल जाता। और टमाटर की थोड़ी सी मीठी स्मेल आती है अगर वो अच्छे से नहीं पका होता तो। पालक भी बॉईल हो गई है, अब मैं पालक को मुझे पीसना है तो पहले मैं इसको ठंडे पानी में रखूंगी थोड़ी देर। और पालक अच्छे से पीस गई है तो मैं पालक का पेस्ट टमाटर और प्याज वाली ग्रेवी में डाल दिया मैंने। और मैं पालक को थोड़ी देर पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी पालक भी पकी हुई थी और ग्रेवी भी। और फिर मैंने तवे में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाला और उसको थोड़ा सा गर्म किया, ज़्यादा नहीं, इसको मैंने मसल के उसमें डाल दिया ग्रेवी में। उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर मैं इसमें क्रीम डाल दूँगी, 2 स्पून क्रीम डालूँ क्योंकि क्रीम डालने के बाद मैं खुल के उसको पकाती हूँ। और क्रीम से कलर भी चेंज हो जाता है और कलर अच्छा भी आता है, टेस्ट भी थोड़ा अच्छा लगता है। अगर है तो डालो, नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। क्रीम डालने के बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं इसमें पनीर डाल दूँगी लास्ट में। पालक पनीर रेडी है, बट अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद तो फिर मैं डालूँगी। थोड़ा सा मैंने गार्निश किया क्रीम से, मैंने इसमें धनिया नहीं डाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।